नमस्कार साथियों, आज का कोई ऐसा विशेष टॉपिक नहीं है, आज तो सिर्फ एक निवेदन है। मैं आप सबके लिए एक हाथ जोड़कर निवेदन करने के लिए आज आया हूँ कि जो भी विद्यार्थी हैं, जो मेरे साथी हैं, जो आर्म फोर्सेस की तैयारी करने के लिए तैयारी कर रहे थे, जो उसमें लगे हुए थे निरंतर, वो किसी भी भारत बंद, कोई धरना प्रदर्शन उसके अंदर भाग ना लें। किसी के भी खिलाफ अगर कोई FIR हो जाती है, कट जाती है, तो कोई नेता, कोई कोचिंग सेंटर वाला आपको बचाने नहीं आएगा। इसमें ऐसा भी नहीं है कि गांव में कहीं झगड़ा हो गया, FIR कट की तो राजीनामा हो जाएगा। यहाँ जो FIR होगी वो भारत सरकार और आपके बीच में होगी, जब तक भारत सरकार नहीं चाहेगी वो FIR रद्द भी नहीं होगी। तो अपने भविष्य के साथ ऐसी कोई खिलवाड़ ना करें, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को ना जलाएं। जो आप ये कर रहे हो ये ठीक नहीं है। विरोध करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अहिंसा के साथ आप विरोध कीजिए। आपको धरना प्रदर्शन करना है, करिए, परमिशन लेके करिए। किसी की गाड़ी जला देते हो आप, क्या पता वो गाड़ी उसने कैसे खरीदी होगी, पूरे जीवन की कमाई लगा के उसने वो गाड़ी खरीदी होगी। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जो ये सब काम करने लग रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें बताया जा रहा था कि 200 करोड़ की रेलवे की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है। आप किसी न किसी तरीके से इनडायरेक्टली ही सही, आप इन राजनेताओं पॉलिटिशियंस को ही फायदा लेने लग रहे हो। उस 200 करोड़ की प्रॉपर्टी को दोबारा बनाने में 500-700 हजार करोड़ रुपए का टेंडर जारी होगा, क्योंकि सब अपना अपना हिस्सा रखते हैं, फिर वो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी का निर्माण होगा। तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप तैयारी के लिए फिर से जुड़ जाइए। ये सब ठीक नहीं है, आप अपने पथ से मत भटकिए। हाँ, थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन हम अपने जीवन को खराब नहीं कर सकते। अगर FIR होगी, कोई नेता, कोई भी आपका साथी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी आपका कोचिंग सेंटर का मालिक आपको बचाने के लिए नहीं आएगा, पूरा जीवन आपका तबाह हो जाएगा। माँ बाप ने आप लोगों को तैयारी करने के लिए भेजा हुआ है, जब उनको पता लगेगा कि उनके लड़कों पर FIR होगी तो उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। देखो, बदलाव हुआ है आपके जीवन में और बदलाव ही जीवन है। निरंतर हमें प्रयास करते रहना है, हमें कुछ न कुछ तो प्राप्त होगा ही। और अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तभी कुछ मिलेगा। चलो, 4 साल बाद आपसे फिर से आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं, सबसे पहले तो आप भर्ती होइए, उसके बाद अपनी तैयारी कीजिए कि आप 25% के अंदर रह जाएं। अगर 25% में नहीं रहते हो तो भी आप पैरामिलिट्री फोर्स के लिए तैयारी कीजिए, अगर आपको फोर्सेज में ही जाना है तो। नहीं तो फिर आपके पास इतना अमाउंट रहता है कि कोई छोटा मोटा काम धंधा करके आप उसको ग्रो कीजिए। 22-23-24-25 साल कुछ ज़्यादा एज नहीं होती है और आप लगे रहिए, लेकिन किसी भी धरना प्रदर्शन में हिंसक रूप से आप भाग मत लीजिए। मेरा फिर से निवेदन है, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर किसी बच्चे के खिलाफ FIR हो जाती है तो उसका पूरा जीवन तबाह हो जाएगा, कोई आपके आगे पीछे नहीं आएगा, पूरी जिंदगी आपके कोर्ट से घर और घर से कोर्ट तक चप्पलें घिस जाएंगी। तो मेरा निवेदन है आपसे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये देश हमारा है तो इसकी रक्षा करना और इसकी प्रॉपर्टी को यानी कि सहेज कर रखना भी हमारी ही ड्यूटी है। बहुत बहुत धन्यवाद।